Hello everyone, welcome to my YouTube channel. First of all everyone, I have taken this question from the book Lakhveer Singh, very important question. And first you need to try your own way. If you have any problem, then see the solution. Pause the video and try to solve this question. This is very important question and the toughest question from the book Lakhveer Singh. One of the toughest question I have taken. So use your brain and try to solve it out. So I think you have tried it. And now see. Let's see the solution. How to solve such kind of question. And definitely in your board exam, you will get such type of question. A man holds a spherical shaving mirror of radius of curvature 60 cm at a distance of 15 cm from his nose. Find the position of image and calculate the magnification. So, as is question mein na to aapko ye given hai ki kaun sa ye mirror hai. आपको ये गिवन है मिरर है इसमें, बट इसमें ये नहीं गिवन है कि कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है. फर्स्ट वन. सेकंड वन इज दैट कि इसमें डायरेक्ट फोकस लेंथ ना दे करके आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है. उस यू हैव गिवन आर, यहां से आपको एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा. थर्ड वन, ये यू हैव गिवन अ यू. And the fourth one is that find out the position of image, that means you need to find out V and calculate the magnification, that is M. So this is the all about questions. अब एक बार इसको फिर से डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे. So let's start. हमको ये नहीं गिवन है कि कौन सा मिरर है, लेकिन अगर जो आपने मिरर चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें ये लिखा है कि सेविंग मिरर, जिस किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको सेविंग मिरर दिखे, दैट मींस डेफिनेटली सेविंग मिरर को हम लोग किसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को हम लोग सेविंग मिरर बोलते हैं. फर्स्ट टॉपिक, दैट मींस कि जो भी हमारा मिरर है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मिरर इज कॉनकेव मिरर. जिस किसी न्यूमेरिकल्स में अगर बोर्ड के क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे लिख के आता है, कोई मिरर नहीं दिख रहा है, तो दैट मींस वो कुछ ना कुछ हिंट देगा. यहां पर उसने हिंट क्या दिया हुआ है, सेविंग मिरर. ओके, कभी आपको हिंट देगा कन्वर्जिंग मिरर, कभी आपको हिंट देगा डाइवर्जिंग मिरर. पेपर बहुत ही आसान होगा तो वो सीधे सीधे लिख देगा कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है. तो यहां पर इस क्वेश्चन की, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो हिंट ये है सेविंग मिरर, एंड द सेविंग मिरर ऑलवेज अ कॉनकेव मिरर. फाइन, एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई. और की रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू गिवन है 60 सेंटीमीटर. हमको एक फॉर्मूला पता है मिरर में, डेट इज एफ इज इक्वल टू आर बाय टू. यहां से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे 60 बाय टू. That means R की वैल्यू यहाँ 60 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर. यानी कि एक हमने ये फाइंड आउट कर लिया कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है. दूसरी मैंने ये फाइंड आउट कर ली कि जो भी इसकी फोकस लेंथ है कॉनकेव मिरर की, वो है 30 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन में कोई भी चीज हमको डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है सारी चीजें. थर्ड वन, एट ए डिस्टेंस A man hold a special shaving mirror of radius of curvature 30 cm at a distance of 15 cm from his nose. That means कि ये कुछ ऐसे आदमी होगा, ये इसकी नाक होगी और अपनी यहां से इसने यहां कहीं इस मिरर को पकड़ा हुआ है. डेट मीन ये डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ओके, तो हम यूज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 15 सेंटीमीटर. बिकॉज साइन ऑफ कन्वेंशन से जितनी भी लेफ्ट हैंड की साइड हम लोग मेजर करते हैं, वो सारी साइड, वो सारे जितने भी लेंथ होते हैं साइन कन्वेंशन में हम लोग लेते हैं
माइनस, सो दिस इज -15 सेंटीमीटर। जिसको ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो मैंने एक साइन कन्वेंशन से वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आपको कौन सा साइन निगेटिव लेना है, कौन सा पॉजिटिव लेना है, तो आप वो वाला वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा साइन आपको कब निगेटिव लेना है, कौन सा आपको पॉजिटिव लेना है। आई हैव क्लियरली मेंशन अ वीडियो फॉर डैट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो दैट यू हैव द क्लियर आइडिया कि माइनस और प्लस में यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, नाउ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सो यू फाइंड आउट, मैंने कर लिया। और फोकल लेंथ की बात करें, एफ इज इक्वल टू मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव मिरर है, तो दैट मीन्स यहाँ पर फोकल लेंथ होगा -30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दो चीजें मैंने फाइंड आउट कर ली। नाउ सी, तो हमारा मिरर है, अब एक बार मैं इसका डायग्राम आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिरर मुझको पता चल गया कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। दिस वन इज फोकस, दिस वन इज रेडियस आर, ये आपकी डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, ये आपकी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यू है 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ओ आपका यहाँ पे कहीं होगा यू। ओके, दिस वन इज ऑब्जेक्ट है कोई भी, ये है आपकी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। आप अगर जो जितनी भी आपकी 6 केसेस थी, उस 6 केसेस में दिस वन इज वेरी स्पेशल केस। अगर जो आपको टेबल लर्न होगी, जो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था आपको कि ये वो वाला केस है जहां पर आपको जो भी इमेज मिलेगी, डैट यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड मैग्निफाइड इमेज। सपोज दिस वन इज द पोल पी, इसकी जो इमेज बनेगी मैग्निफाइड इमेज बनेगी। पहली चीज, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, नोज है इसकी मैग्निफाइड। अब एम हमको मिलेगा, एम हमको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वी हमको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि जो वी आएगी वो इस तरफ की डिस्टेंस लेंगे, सो यहाँ से वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये सारी चीजें मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर ली है। यहाँ पर अभी मैंने कोई क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं किया हुआ है, लेकिन जिस मेथड से मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है, अगर जो उस मेथड्स की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट यू कैन इजिली गेस द आंसर। ओके, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मैंने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, वी फाइंड आउट करना है। अब इतनी सारी क्वेश्चन थी, ये मैंने क्वेश्चन से आइडेंटिफाई की है। डैट मीन्स अगर जो मैं डायरेक्टली बोलूँ तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, बट एक कैसे स्मार्टली आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मिरर का फॉर्मूला आपको पता है, 1/f = 1/v + 1/u, 1/f - 30 = 1/v हमको फाइंड आउट करना है, +1/u - 50। जो भी वैल्यू गिवन थी हमने इसमें लिख लिया, उसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1/v = ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 - 1/30। एलसीएम ले लीजिए, 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 2 - 1 2 - 1 1/30, दैट मींस 1/v की वैल्यू है 1/30, सो आपका v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखिए मैंने कहा था वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, डैट मीन्स जो भी आपकी इमेज बनेगी जस्ट बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, डैट मीन्स इमेज आपकी वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। अब इसमें दूसरी चीज आपको पूछा है एम मैग्निफिकेशन, एफ का फॉर्मूला आपके पास पता है, m = -v/u, माइनस वी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 30, और यू आपको पता है माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू आ जाएगी 15 2 जा 32। मीन्स एम एक से ज़्यादा है, डैट मीन्स मैग्निफाइड इमेज बन रही है। सो फाइनल अगर जो इस क्वेश्चन को मैं कंक्लूड करूँ आंसर में, सो कैसे आप लोग आंसर लिखेंगे, वी विल गेट एन
मैग्निफाइड इमेज एम इज इक्वल टू प्लस टू, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट वन, वी विल गेट एन इमेज बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट आस्क मी, मेंशन मी, आस्क योर डाउट. एंड मिरर या लेंस में कोई भी न्यूमेरिकल से, लखवीर से बुक से या किसी भी बुक से आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, मैं उस क्वेश्चन को आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर दीजिए एंड डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो ऑन डैट टॉपिक. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व आउट, सॉल्व इट वन मोर टाइम. थैंक यू एवरी वन. थैंक यू सो सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर गिविंग द बोर्ड एग्जाम. थैंक यू एवरी वन. थैंक यू सो मच.